हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं, वो भी इनरोलमेंट आईडी से। जो आधार कार्ड बनवाते हैं या चेंज करवाते हैं, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ या जो भी गलती रहता है उसका चेंज कराना चाहते हैं, एड्रेस वड्रेस, तो एक रिसीविंग मिलता है। उस रिसीविंग से आप कैसे आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे, चलिए इस वीडियो में बने रहें, डाउनलोड कर कर हम दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख कर सर्च कर लेना है UIDAI, उसके बाद इंटर करना है और इस पर क्लिक करना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, अब फाइनली आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है इस तरह का इंटरफेस, इसमें लैंग्वेज चूज करने के लिए बोल रहा है कौन सा आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं। चलिए हम इंग्लिश अभी लैंग्वेज ले लेते हैं और इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आना है माई आधार पर, उसके बाद यहाँ डाउनलोड आधार लिखा हुआ रहेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा डाउनलोड आधार, इस पर क्लिक करना है। और इसमें देखें आधार नंबर से आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ सेकंड में ऑप्शन है इनरोलमेंट आईडी। चलिए आपको पास रिसीविंग है तो इनरोलमेंट आईडी ले लेते हैं, इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें फिल कर लेते हैं। रिसीविंग में ऊपर इनरोलमेंट आईडी लिखा हुआ रहता है, उसको सही से आप फिल कर लीजिएगा। और इसके बाद राइट साइड आते हैं इस रिसीविंग में, तो देखते हैं कि वहाँ पर डेट, मंथ, ईयर इसमें लिखा हुआ रहता है टाइम। सबसे पहले ईयर डालना है रिसीविंग में देखकर, ठीक है। उसके बाद मंथ डालना है, उसके बाद डेट डालना है, उसके बाद टाइम शुरू से ही डालना है, सेटिंग से इस तरह से डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सही से कैप्चा डाल लेते हैं। और यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप ओटीपी चला गया है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर इंटर ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ओटीपी फिल कर सकते हैं आप। चलिए ओटीपी फिल कर लेते हैं। और यहाँ पर वेरीफाई एंड डाउनलोड पर यहाँ पर क्लिक करना है। अब देख सकते हैं आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है, यहाँ कंग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर बता रहा है कि पासवर्ड कैसे डालते हैं। आधार कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आधार कार्ड को ओपन करने के लिए वहाँ पर पासवर्ड डालना रहता है। कैसे डालते हैं पासवर्ड, तो नाम के स्टार्टिंग से, नाम का जो रहता है ना स्टार्टिंग, वहाँ से फर्स्ट लेटर से लेकर चार लेटर कैपिटल डालते हैं। स्टार्टिंग से चार लेटर कैपिटल में फिल करना है ना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का ईयर डालना है। चलिए आधार कार्ड हम डाउनलोड कर लिए हैं और इसको अगर देखना रहता है तो यहाँ पर पासवर्ड मांगता है। यह डॉक्यूमेंट अभी प्रोटेक्ट है, यानी पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड डाल लेते हैं तब जाकर यह ओपन होता है। नाम को स्टार्टिंग लेटर से चार लेटर फिल कर लेते हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का ईयर डालते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं। यह देख सकते हैं आप आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। अगर आप इसको डाउनलोड करके अगर रखना चाहते हैं कहीं और तो रख सकते हैं। चलिए डेस्कटॉप पर अभी हम सेव कर लेते हैं। सेव कर लिए, अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। जो प्रिंटर रहेगा वो प्रिंटर यहाँ पर सेलेक्ट करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, प्रिंट आउट निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा हुआ होगा। देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है आधार कार्ड। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।